हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SSC GD की जो आंसर की आई है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि अपनी आंसर की आप कैसे चेक कर सकते हैं पूरा, आपको कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, और ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहिएगा और आपको सारा जो कन्फ्यूजन है वो भी इस वीडियो आपका मैं पूरा दूर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना सपोर्ट नहीं दिया, तो प्लीज़ सबसे पहले सपोर्ट कीजिए हमें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो भी जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड होगा आपको, वो आपको अपना जो है वो रेडी करना है, रेडी रखिएगा। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप डायरेक्ट इस पेज पे कैसे आ सकते हैं और कहाँ कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट जो SSC.NIC.IN की वेबसाइट है वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हो। अगर आप वहाँ से नहीं आना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा इस पेज का, डायरेक्ट आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, सिंपल सा है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए नीचे जाना है और क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, तो दोनों आपका इसमें एक साथ ही है, क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों आपको एक साथ है। बस आपको नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असाइनमेंट SSC GD कांस्टेबल क्लिक हियर आगे, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो PDF होगी वो डाउनलोड होकर आ जाएगी इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर आपका जो है सारा डिटेल आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आप यहाँ पे आपने जो टिक किया होगा वो ब्लू दिखाएगा और करेक्ट जो आंसर होगा यहाँ पर वो मैच कराएगा। तो आपको जैसे दोनों, जैसे मैंने यहाँ पर तीसरा नंबर टिक किया और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो भी तीसरा है, चूज एन ऑप्शन मेरा, तो आपका क्वेश्चन ये सही हो गया। अब आपका यहाँ पे दूसरा है, आपने दूसरा सेलेक्ट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इस तरीके से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना स्कोर बनना है। तो फिलहाल उस हिसाब से मैं आपको एक सटीक जो कट ऑफ होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। तो फिलहाल मेरा जो OBC से अभी यहाँ पर बन रहा है, तो मेरा OBC से यहाँ पर अभी 76 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो मैंने फिलहाल मैंने 91 ही क्वेश्चन अटैम्प किया, 100 क्वेश्चन किए भी नहीं थे। तो इसी तरीके से आपको कितना कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको एक सटीक कट ऑफ में दे सकूं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।